वेलकम टू गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं आज हम लोग सिमेट्री बाबू डे का, और ये जमशेदपुर का बहुत ही बड़ा सिमेट्री है। हालांकि पुराना नहीं है, लेकिन ये मतलब कि दूसरा पुराना है, इससे पहले बेल्डी था और इसके बाद बनाया गया है ये, और ये काफ़ी बड़ा है। तो आइए इसका विज़िट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये है बाबूडी का हम लोग का सिमेट्री, क्रिश्चियन सिमेट्री। और ये है किसी समय में यहाँ पे गार्ड के लिए घर बनाया गया था, हालांकि अभी फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं रहता है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है और जमशेदपुर का सबसे बड़ा क्रिश्चियन सिमेट्री है, यही है। चलिए आगे चलते हैं। एक जन उधर चला गया है, रुके दिखाते हैं। हमें उधर जाना है, एक जन जा रहा है उस साइड। और दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, जमशेदपुर का सबसे बड़ा सिमेट्री जो क्रिश्चियन सिमेट्री है, यही है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो कब्र है, और ये स्पेशली ईस्टर के लिए सजाया जा रहा है। मतलब कि जितना भी जो इसे मरम्मत किया जाता है वो ईस्टर के लिए होता है, और 15 तारीख को हम लोग गुड फ्राइडे है, और उसके बाद है 17 को ईस्टर। तो उसी के लिए जितना भी ये कार्य है उसी के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ये ईस्टर कामों में लगे हुए हैं, यानी कि जो मिट्टी से कब्र बनाया जाता है, कब्र को लिपाई किया जाता है, वो ये सब कर रहे हैं। और यहाँ सारे लोग, जैसे आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मिट्टी को गूंदने का काम किया जा रहा है, और इसी के द्वारा बनाया जाएगा कब्र और उसका लिपाई भी किया जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है और एक कम्प्लीट है। तो इसी तरह से मिट्टी को गूंद के जो साइड जो कब्र है उसके ऊपर लिपा जाता है, और इसे एक स्ट्रक्चर का जो रूप दिया जाता है, और उसके बाद ही इस तरह से तैयार होता है। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा तैयार है, और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो इनकम्प्लीट था, वो उसका कार्य चल ही रहा था। तो दोस्तों, ये सिमेट्री देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है, और ये जो एरिया है ये सबसे बड़ा एरिया है जमशेदपुर के किसी भी सिमेट्री से, और इसका अभी भी काफ़ी हिस्सा खाली है। जैसे कि इस साइड पूरा भरा हुआ है,
और इसके आगे भी है, आगे बाद में दिखाएंगे, पहले इधर दिखाते हैं। इस साइड भी भरा हुआ है और इस साइड जो एरिया है पूरा खाली है। ये अभी भी 50% आसपास खाली है जगह। ये जो जितने भी झाड़ झंगाड़ दिख रहे हैं, समय के साथ इसे साफ किया जाएगा, फिलहाल तो अभी साफ नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये जो सिमेट्री है इतना बड़ा है कि इसे प्लॉट में डिवाइड किया गया है। ये प्लॉट संख्या 6 है और इस साइड है प्लॉट संख्या 5 और इस साइड है प्लॉट संख्या 4 और इधर है प्लॉट संख्या 3। और दोस्तों ये जो कवर है इसे बहुत अच्छा से लीपा पोता गया है, यानी कि बहुत अच्छा से इसे बनाया गया है। कलरफुल ये हालांकि मिट्टी से ही बनाया गया है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया गया है इसे। इसका कलर अलग है और ये जो कवर है इसका कलर अलग है। और दोस्तों इसे लाल मिट्टी से बनाया गया है, इसीलिए ये लाल नगड़ा मिट्टी जैसा कि वहाँ बनाया जा रहा है वो भी उसी तरह से बनाया जा रहा है। रुकिए दिखाते हैं। ये जो मिट्टी है, मिट्टी का कलर ही लाल है, इस वजह से इस जो कवर का है इसका यह हो गया है। इसलिए इसका कलर इस तरह से है। और दोस्तों ये है जो कवर दिख रहा है, मेरी दादी का कवर है जिसका नाम है नौमी सुरेन। और ये जब एक्सपायर की थी उस समय 20/5/1965 में की थी, काफ़ी पुराना है कवर। और ये जो कवर है इसका पहचान किया गया है यहाँ पे, जो मेरा दादू है यहाँ पर फायर स्टोन, यानी कि ये जो स्टोन है वो फायर स्टोन है और ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये फायर स्टोन है और ये ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है। और यही है पहचान हम लोग का कबर पहचानने का। हालांकि नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसी के थ्रू पहचानते थे जब नाम नहीं लिखा हुआ था तब। ये काफी खूबसूरत दिख रहा है कवर, किसका है भाई? अरे ये भी काफी पुराना है, 1965 में भी इसका मतलब कि इनका भी डेथ हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग जो जिस एरिया में आए हुए हैं वो पुराना कब्र का एरिया है और ये यहाँ पे सबसे पहले इसी तरफ बनाया गया था और उस समय रास्ता इस साइड से था, लेकिन अब रास्ता चेंज कर दिया गया है। ये पुराना रास्ता था बाबूडी का और यही है प्लॉट नंबर 1 और सबसे पहले इधर ही दफनाया जाता था। और एक जन अपना कवर खोजते हुए, रुके दिखाते हैं, एक जन अपना कवर खोजते हुए मतलब कि अपना खानदान का मिल गया। वो तो यहाँ देखभाल के लिए है ना। देखभाल कैसे देखभाल करता है, गोबर पानी सब निकलता है सब, आदमी लोग कोई कम बोलता नहीं है कैसे? अब बोलता है तो वो भी ऊपर बोलता होगा तो कहाँ थोड़ी ना करता होगा, घेरा इतना दिन से नहीं हुआ है तो ठीक है, देखिए बना दीजिएगा। और दोस्तों रुकिए दिखाते हैं चिल्ड्रंस जो सिमेट्री है कहाँ है, दिखाते हैं रुके। तो दोस्तों ये है चिल्ड्रन सिमेट्री और इधर जितना भी कब्र दिख रहा है ये चिल्ड्रंस लोग का है, यानी कि बच्चों को यहाँ पे किया जाता है। और
और यहाँ पे मतलब कि काम करने वालों में लोगों के लिए नाश्ता वास्ता का पूरा व्यवस्था है, इडली उटली का। और ये है मेरी बड़ी माँ का कबर, साफ सफाई हो चुका है, उसके कुछ दिन के बाद इसे कलर किया जाएगा। जयवंती आइंद। और दोस्तों ये जो मेरे पीछे है, यहीं पे ईस्टर का दिन हम लोग का चर्च होता है, और पहले ये पूरा फैला हुआ था, यहाँ तक काफ़ी बड़ा एरिया था, पर अब ये छोटा हो चुका है। और इस साइड है जंगल झाड़, तो इधर नहीं होता है। जितना मेरे पीछे दिख रहा है जो एरिया, बस वहीं पे होता है। तो दोस्तों यही है क्रॉस, इसे ही लगाया जाता है कवर में। ये ढलाई वाला है, आगे भी है, इस साइड पे रखा हुआ है। किधर बना रहा है क्या? और इधर मेकिंग भी चल रहा है। कितना लेते एक टोइया का, क्रॉस का? बड़ा 1400। और छोटा वाला है वाला? अच्छा अच्छा, वो राउंड वाला नहीं बनाते हैं क्या? राउंड बनेगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बनाने का प्रोसेस भी चल रहा है। मतलब राउंड वाला बोले तो ऐसा, अरे इसके ऊपर जो राउंड रहता है, फुल सा रहता है, फुल रहता है ना, वही वाला। तो है ना? हाँ, उसको तो राउंड क्या नीचे बैठा के बनाना पड़ेगा उसको। तो दोस्तों हम लोग का कब्र का जो जितना भी काम था साफ सफाई वाला करवाने वाला, वो हम लोग ख़त्म हो चुका है। अब चला जाए घर, घर जाने का टाइम हो चुका है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग का वीडियो मिलता रहेगा।